अगर आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल पर रैंक करवाना चाहते हैं तो कंपटीटर की रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपने कंपटीटर की स्ट्रेटेजीज का पता नहीं चलेगा तब तक आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल पर रैंक करवाने के लिए आपको अपने कंपटीटर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको आप स्पाइंग भी कह सकते हैं, बट ये स्पाइंग नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सारे डेटा को एक जगह पर रख कर उसको एनालाइज करने का तरीका देखेंगे, और ये जो एक्सटेंशंस हैं ये भी वही काम करती हैं। अगर आप ये काम मैनुअली कर सकते हैं तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, बट एक्सटेंशंस के यूज़ करने से ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इन एक्सटेंशंस का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गूगल मैप को ओपन किया हुआ है, और गूगल मैप के अंदर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट नियर मी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड में आपके पास ये एक पूरा जो है डेटा आ रहा है। तो इस डेटा को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है प्लीपर SEO टूल्स, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके लिए आपको लिखने की नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक्सटेंशन मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखिए ये वो एक्सटेंशन है प्लीपर लोकल SEO टूल्स। अब ये एक्सटेंशन काम क्या कर रही है और इसको हमने समझना किस तरह से है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरीज जो है, यहाँ पर कैटेगरीज को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये पूरी कैटेगरीज आ गई। अब इस जो डेटा का फ़ायदा किस तरह से हम उठा सकते हैं, देखिए जब मैंने यहाँ पर सर्च किया चाइनीज़ रेस्टोरेंट नियर मी तो यहाँ पर मुझे कैटेगरीज़ की लिस्टिंग आ गई कि इस जो यहाँ पर लिस्टिंग आई हुई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैटेगरी कौन सी यूज़ की गई है। सबसे ज़्यादा कैटेगरी यूज़ की गई है चाइनीज़ रेस्टोरेंट, उसके बाद थाई रेस्टोरेंट, यानी जितने भी ये बिजनेसेस यहाँ पर लिस्टेड हैं सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस कैटेगरी का यूज़ किया है वो है चाइनीज़ रेस्टोरेंट, और ये 19 बार है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितना है इसका, 31.67। थाई रेस्टोरेंट 6 टाइम, रेस्टोरेंट 5 टाइम्स, पैन एशियन रेस्टोरेंट 4 टाइम, नूडल शॉप 3 टाइम। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाता है कि जब भी आप अपने बिजनेस को लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डेंटिस्ट चूज़ करता हूँ तो हो सकता है डेंटल क्लिनिक ज़्यादा लोग कैटेगरी यूज़ कर रहे हों, या फिर डेंटिस्ट सर्च कर रहे यूज़ कर रहे हों। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी उसी कैटेगरी को यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर ये हमें यहाँ पर रिव्यूज़ दिखा रहा है। अब ये जो है एवरेज रिव्यू रेटिंग आ गई है, जितने भी यहाँ पर बिजनेस लिस्टेड हैं उनको एवरेज रेटिंग जो मिली हुई है वो 4.32 है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एवरेज रिव्यूज़, तो मैक्सिमम जो लोगों ने ज़्यादातर रिव्यूज़ गेन किए हैं वो 1200 के आसपास गेन किए हुए हैं, वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे 1400 है, 1200 है, 171 है, तो इन सब का एवरेज निकाला हुआ 810 है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ 1366 है, 2342 है। तो ये हमें एक एवरेज आइडिया दे देता है कि इतने रिव्यूज़ हैं। हालांकि आपको इतने रिव्यूज़ नहीं चाहिए, बट आपको माइंड में क्लियर रहेगा कि जो हम आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो लगभग इतने रिव्यूज़ उनके पास हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे कि बिजनेस आर है, तो बिजनेस आर भी आप देख सकते हैं कि लोग कब इसको ओपन करते हैं, कब क्लोज करते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह का जो टाइमिंग है, देखिए 11:30 है, तो ये काउंट 5 है, ठीक है। और ट्यूसडे, यानी कि जितने भी बिजनेसेस हैं वो लगभग ये टाइमिंग जो है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा इसमें एट्रीब्यूट हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिलीवरी, टेकआउट, डाइन आउट, ये जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, जैसे इस तरह के बिजनेस के लिए ही है कि वो डिलीवरी करते हैं, टेकआउट है, या वहीं पर खाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है जब आप गूगल माई बिजनेस में देखते हैं। तो ये हो गई आपकी एक एक्सटेंशन। दूसरी हमारी एक्सटेंशन है GBP एवरीवेयर। इस एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, जब मैंने टॉप 5 SEO एक्सटेंशंस के बारे में बात की थी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें कुछ आपको दूसरी एक्सटेंशंस भी मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोकल SEO या गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए कोई एक्सटेंशन ढूंढ रहे हैं तो ये एक्सटेंशन बहुत फ़ायदेमंद है। अब यहाँ देखिए ये एक्सटेंशन काम क्या कर रही है। ये वाली एक्सटेंशन हमें जो लेफ़्ट साइड पर ये जो कुल हमने जो बिजनेसेस का नेम सर्च किया वहाँ पर हमें कैटेगरी दिखा रही है, GMB कैटेगरी चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो ये जो कैटेगरी आ रही है ये हमारी उसी एक्सटेंशन की वजह से आ रही है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक किया, GMB एवरीवेयर, तो ये हमारी एक्सटेंशन है, तो इसको हमें नहीं खोलना है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या काम कर रही है, ये हमें मेनली कैटेगरी बता रही है, और इसके साथ आपको एक कैटेगरी या जो स्टार लगा हुआ है वो प्राइमरी कैटेगरी है, और इसके अलावा ये जो दूसरी हैं ये सब कैटेगरीज़ हैं। तो मान लीजिए इस बिजनेस ने सब कैटेगरीज नहीं ऐड की हैं, इन्होंने सब कैटेगरीज ऐड कर रखी। तो आप भी अगर अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एज लेना चाहते हैं तो आपको सब कैटेगरीज ऐड करनी चाहिए, ठीक है। कुछ बिजनेस ने ऐड नहीं की हुई हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको सब कैटेगरीज ऐड करनी है। तो इसके अलावा भी ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये बेसिक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमें एक बेसिक ऑडिट देता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑडिट का रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन उस बिजनेस के बारे में आ गई, उसका करंट एड्रेस क्या है, उसकी वेबसाइट नहीं दी गई है उस प्रोफाइल के अंदर, फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है, क्लेम्ड है ये बिजनेस लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, कैटेगरी है, प्लेस आईडी, नॉलेज पैनल, सीआईडी, बिजनेस प्रोफाइल आईडी, तो ये सारी डिटेल जो हमें चाहिए होती है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। अगर आप इसके अंदर मान लीजिए सर्च करते हैं रिव्यूज़ पे, जैसे मान लीजिए मैं इसी बिजनेस की बात, इस बिजनेस की बात कर लेते हैं, 1492 ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम ले लेते हैं, जैसे हाउस ऑफ मिंग, इसके हम रिव्यूज़ वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये रिव्यूज़ जितने भी हैं आपके मतलब उस बिजनेस के, वो उसका पूरा डेटा कंपाइल करके आपको दे देगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है GMP एवरीवेयर इज़ प्रोसेसिंग, ठीक है, तो ये अभी उसको कंपाइल कर रहा है, अभी देखना ये इसका एक ग्राफ निकाल के देगा हमें। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें एक ग्राफ दे दिया। अब ये जो टोटल रिव्यू विद टाइम एंड एवरेज रेटिंग दिस मंथ, अब ये हमें रिव्यू और रेटिंग दे रहा है। तो ये जो हमारा है रिव्यू, यानी कि मार्च 2022 में इसको रिव्यूज़ मिलने शुरू हुए, और उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा स्ट्रेट गया, देन थोड़ा सा अपवर्ड गया, देन यहाँ से थोड़ा और अपवर्ड गया, और फिर थोड़ा स्टेबल है। तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने कुछ किया होगा एड ऑन, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो है ऊपर जा रहा है। तो ये हमें अब बताता है कि किस तरह से इसको रिव्यूज़ मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको आज 18 के करीब रिव्यूज़ मिले हैं, और ये अक्टूबर तक, ठीक है, तो मार्च 22 से अक्टूबर 22 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 18 हो गए थे, देन 90 कब हो गए, ये अगस्त 23 तक हो गए। तो ये हमें पूरा ग्राफ देता है कि कब उसके रिव्यूज़ जो हैं राइज होने शुरू हुए, कब स्टेबल थे, कब एक पर्टिकुलर लाइन में थे। तो इस तरह से ये आपको जो है रिव्यू का डेटा बेसिकली निकाल के दे रहा है। तो गूगल रेटिंग इसके 171 रिव्यूज़ के बेसिस पे 4.50 है, ठीक है, लोकल गाइड ने इतनी दी है, फोटोज़ के साथ कितने रिव्यूज़ आए हैं, देखिए 21 रिव्यूज़ जो हैं वो विद फोटोज़ आए हैं, जैसे कोई यहाँ पर खाना खा रहा है तो वहाँ पर वो फ़ोटो लेके रिव्यू डाल देता है उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए रिव्यू कीवर्ड एनालिसिस, जब लोगों ने रिव्यू किया तब लोगों ने ये कीवर्ड्स का यूज़ किया, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, नाइस फूड, नाइस प्लेस। तो रिव्यूज़ का फ़ायदा देखिए किस तरह से हो रहा है, आपको यूज़र जनरेटेड कंटेंट मिल रहा है बेसिकली। तो गूगल को और अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि ये बिज़नेस किस बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए रिव्यूज़ का फ़ायदा होता है। और वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव जिसको देख के लोग भी आते हैं, तो लोगों के लिए भी और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिव्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी को कोई सर्विस देते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप हमें इसका रिव्यू दें, जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा आपको वो बिजनेस में बेसिकली फ़ायदा होने वाला है। अभी देखिए इसके साथ साथ ये और क्या देता है आपको, आपको पोस्ट, ये पोस्ट क्या है, देखिए GMB प्रोफाइल पर आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं, आप फोटो ऐड कर सकते हैं, आप कोई इवेंट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो पोस्ट का डेटा भी हमें यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये उस बिजनेस की जो जितनी भी पोस्ट हैं उनको एनालाइज करेगा, और फिर उसके बाद जो है वो हमें इसी तरह से एक ग्राफ देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये लोग पोस्ट ऐड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे इन्होंने एक पोस्ट यहाँ पे की, फिर यहाँ पे की, फिर यहाँ पे एक दो पोस्ट ऐड की, तो ये हमारे पास पूरी पोस्ट का जो एनालिसिस आ गया, ठीक है। तो साल के अंदर एक आधी बार पोस्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ 6 पोस्ट हैं, तो आप नंबर ऑफ पोस्ट को इंक्रीज करके थोड़ा सा इसके अंदर एज जो ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ क्रेडिट्स होते हैं, GMB एवरीवेयर जो एक्सटेंशन है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कितने क्रेडिट्स आपने यूज़ कर लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट्स यूज़ करें देखिए तो ये शायद फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो 5 ऑडिट व्यू दिस साइकिल, ठीक है। तो ये हमें क्या है, इस तरह का डेटा जो है वो निकाल के दे देता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सटेंशन की बात, अब देखते हैं तीसरी एक्सटेंशन के बारे में। तीसरी एक्सटेंशन जो है वो है हमारी GMB क्रश,
तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक्सटेंशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इसी कीवर्ड को ले लेता हूँ, अब ये काम क्या करेगी, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये कीवर्ड को यहाँ पे एंटर करना है, फिर आपको डेस्कटॉप या मोबाइल चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर आप लोकेशन यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर न्यू दिल्ली किया, एक बार चेक लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है बेसिकली, तो न्यू दिल्ली के लिए ये हमारी लोकेशन है। और फिर आपको सर्च नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ये टोटल 10 क्रेडिट्स आपको दे रहा है, ठीक है। तो मैंने सर्च नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए इसने मुझे वही चीज़ दी, इसने मुझे सब कुछ कंपाइल करके दे दिया एक ही जगह पे। आपको आप इसका जो है जो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ देखिए जैसे नंबर वन पे हमारे पास जो बिजनेस आ रहा था शैंग पैलेस, तो यहाँ पर यही आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या क्या डेटा है आप देख सकते हैं। ये मेन कैटेगरी है चाइनीज़, ठीक है। एडिशनल कैटेगरीज फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज़ कितने हैं, सेंटीमेंट, फ़ोटोज़, क्लेम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, एवरेज CTR कितना है। तो ये यहाँ पे देखिए इन लोगों ने एडिशनल, इसने एडिशनल कैटेगरी नहीं ऐड की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल कैटेगरी नहीं मिलेगी और यहाँ पर भी नहीं है और इसके अंदर है। तो कुछ थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, ये नहीं कहना है कि ये बिल्कुल सही रिजल्ट दिखा रहा है, आपको कुछ एक आइडिया मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये हमें क्या करता है, ये पूरा हमें कंपाइल करके जो है डेटा वो दे देता है आपको। वहाँ पे अलग अलग दे रहा है, आपको वहाँ पे नोट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सपोर्ट करके सेव करके रख सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सटेंशंस का तरीका। बट अगला जो मेथड है वो मेरा फेवरेट मेथड है, वो है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड से आप हर बिजनेस के बारे में जो डिटेल जो है अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए यही मेरा कीवर्ड है, ठीक है। तो अब जैसे ये आपका इसी के अंदर, हम मैप के अंदर ही इसको देख लेते हैं। ओके, जैसे ये हमने फर्स्ट बिजनेस हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसके बिजनेस के नाम पे क्लिक करना है। अब नाम पे क्लिक करने के बाद आपको हर चीज़ एनालाइज करनी है, जैसे कि इसका नाम क्या है, ठीक है, शैंग पैलेस। तो मैं अभी एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बिजनेस का जो नेम है वो किस तरह से रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट, ये डिटेल हमें वैसे भी मिल जा रही है, ऑडिट आप कर सकते हैं। फिर आपको इसके अंदर ये देखना है कि ये जो वो एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे थे, तो वो इन्होंने एट्रीब्यूट्स ये रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा फ़ोटोज़ वो किस तरह से ऐड कर रहे हैं, तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह की फ़ोटोज़ ऐड करनी है। इस तरह का कंप्यूटर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ पोस्ट, वो जो डाटा का जो तरीका है वो एक्सटेंशन से यूज़ कर लीजिए, बट यहाँ पर आपको मैन्युअली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस को। देन यहाँ पर आप देखिए जैसे ये रिव्यूज़ है, ये किस तरह से आ रखे हैं, ठीक है, और ये पूरा इसका जो डेटा है। आप इसको एक काम कर सकते हैं, आप इसको गूगल के अंदर भी ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गूगल के अंदर ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए आपको वेबसाइट डायरेक्शन सेव, तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट है। तो अभी इसको मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी पूरी डिटेल हमें इसने निकाल के दे दी है, एक बार इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए वेबसाइट है, डायरेक्शन है, इसके बाद यहाँ देखिए ओवरव्यू मेन्यू आप यहाँ से देख सकते हैं इनका पूरा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम एक और बिजनेस देख लेते हैं, जैसे ये बिजनेस है, यहाँ देखिए 145 फ़ोटोज़ इन्होंने ऐड की हुई हैं, तो इस पर आपको काम करना होगा, ठीक है। तो एक बार इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेन्यू है और यहाँ पर रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप पूरा जो है उस बिजनेस को मैन्युअली एनालाइज कर सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या उसके अंदर ऐड किया हुआ है। एक और बिजनेस को हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये देखिए इनके अंदर भी वही जो चीज़ें हैं वो ऐड कर, बाकी यहाँ पर आपको ये डिटेल यहाँ पर मिल भी जाएगा, कितने रिव्यूज़ हैं, कितनी रेटिंग है, क्या एड्रेस है, तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने कंप्यूटर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और कंप्यूटर एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि आपको उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें।